प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक पढ़ लिया है। अब फटाफट आप अपना बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक वृत्त के परिघत खींचा गया स्पर्श रेखा है। इसमें देखिए एक स्पर्श चतुर्भुज है, परिघत एक चतुर्भुज खींचा गया है, तो केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसके परिघत ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि ये बी जोड़ सी डी बराबर बी सी जोड़ ए डी होता है, यही सिद्ध करना है। खूब बढ़िया है, प्रश्न समझने लायक है। मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया कि सारे प्रश्न एक्सरसाइज 10.2 के पर में 10.1 और 10.2 पर आधारित है। अभी तक 7 क्वेश्चन नंबर 7 था, पर मैं 10.1 से बना। अब एक्सरसाइज 10.2 में 8वां क्वेश्चन नंबर है जो एकदम बिल्कुल नए पर मैं 10.2 से पूछा। तो क्या लिखा मैंने कि मान लिया केंद्र वो वाला एक वृत्त है जिसके परिघत जिसके चारों ओर ए बी सी डी एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया है। जो वृत्त को क्या कहता है, जो वृत्त को क्रमशः बिंदुओं कौन कौन बिंदु पी क्यू आर तथा एस पर क्या करता है, स्पर्श करता है, छूता है। तो ऐसी स्थिति में स्पर्श करता है तो परमेय 10.2 से क्या होगा, इसलिए परमेय 10.2 से, अब भाई परमेय 10.2 से आगे देखिए तो क्या है, वृत्त का परमेय आधारभूत परमेय क्या कहता है, तो कहता है परमेय 10.2 से क्या कहता है कि परमेय 10.2 में क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त पर एक बार एक बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, जिसमें मैंने आपको सिद्ध किया था पी ए बराबर पी बी। आप परमेय 10.2 भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए ए से खींचा गया है स्पर्श रेखा ए पी और ए एस, तो इसका मतलब हो गया ए एस बराबर है ए पी और बी पी। अब बी बिंदु से खींचा गया है बी पी और बी क्यू, तो बी पी बराबर है बी क्यू। अब सी बिंदु से खींचा गया है सी क्यू और सी आर, सी क्यू तब सी क्यू बराबर होगा सी आर। और डी बिंदु से खींचा गया है डी आर और डी एस, डी आर बराबर डी एस। अब क्या करते हैं, अब हम लोग जोड़ते हैं इधर वाला को एक तरफ और इधर वाला को एक तरफ। तो यह भी दिया है आपका, अब लिखना छोड़ दीजिए, लिखा लिखिए। अब क्या है, चूंकि ये भी जोड़ सी डी यही ना है, एलएचएस में क्या दिया है, ये भी जोड़ सी डी बराबर आप लोग को सिद्ध करना है कि बी सी जोड़ ए डी होता है कि नहीं। तो ये भी जोड़ सी डी बराबर क्या होगा, ये भी जोड़ सी डी में ए पी और जोड़ बी पी तब ना बराबर ये भी है, तो हम लिख सकते हैं ए पी जोड़ बी पी और सी डी बराबर क्या है, सी आर जोड़ डी आर। अब ए पी बराबर बी पी दिया है, ए पी बराबर क्या है भाई, ए एस जोड़ बी पी बराबर क्या है, बी क्यू। सी आर बराबर क्या है, सी क्यू और डी आर बराबर क्या है, डी एस। हो गया, अब हो गया ए एस जोड़, सॉरी ये एस को बाद में ले जाते हैं, हम लाते हैं बी क्यू जोड़ सी क्यू पहले लिखते हैं।
आप ए एस और बी एस को एक जगह कर देते हैं तो आपका अब हो गया बी क्यू जोड़ सी क्यू, बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर क्या हो गया भाई बी सी। और ए एस जोड़ बी एस बराबर क्या हो गया ए डी। तो देखिए ए बी जोड़ सी डी बराबर बी सी जोड़ ए डी आ गया और ये हो गया यहां पर प्रूफ। तो सिद्ध हुआ किससे परमे 10.2 से। बच्चों आप लोगों को यदि इसमें से कुछ भी कहीं समझ में नहीं आता है तो फिर मैं इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि मेरा नंबर है 9931526318। आप उस पर व्हाट्सएप करके मुझे लाइन बताएं कि इस लाइन में समझ में नहीं आया, मैं उसे पुनः एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको उसी व्हाट्सएप में बताकर भेज दूंगा। तो आपको उसी नंबर पर इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 आज सॉल्व हुआ। और इसके बाद अब कल जो नया वीडियो जाएगा कल जाएगा, क्योंकि आज आप लोगों को पर्याप्त वीडियो मिल गया है। धन्यवाद।